ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रहेगी या जाएगी, आज 10वें दिन भी सस्पेंस बरकरार है। अभी तक ना राजभवन से ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है। लेकिन बातें जहां आ रही थी कि क्या हेमंत सोरेन की सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली है या पूरी की पूरी सरकार पर ही खतरा मंडरा रहा है। दरअसल जिस तरह से झारखंड की राजनीति में हालिया घटनाक्रम की अगर बात करें तो जिस तरह से यूपीए के कई विधायकों को और कैबिनेट मंत्रियों को रायपुर शिफ्ट किया गया, इससे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं हेमंत सरकार पर ही खतरा का जो बादल है वो मंडरा रहा है। इस वक्त हमें रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर और 30 अगस्त को जो यूपीए के विधायक थे यहाँ से रायपुर उन्हें शिफ्ट किया गया था और झारखंड की राजनीति में इस बात का अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का बढ़ावा हो सकता है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है, उन्हें तोड़ने की कोशिश हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस चला सकती है। और एकजुट रखने के लिए हेमंत सोरेन ने अपने विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया है। अभी ये जानकारी आ रही है कि कल विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है और जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उसमें इस बात का जिक्र है कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार की ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है और यहाँ पर रैफ और आईआरवी के जो जवान हैं उनकी एक्स्ट्रा तैनाती की गई है। सामने आप इधर देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग किया हुआ है और जिस तरह की तैयारियाँ रांची एयरपोर्ट पर आपको देखने को मिल रही है उससे यह है कि विधायक यहां से पहुंचेंगे और बस के माध्यम से उन्हें सर्किट हाउट जो कि पुराना जेल परिसर के पास में है तो वहां तमाम विधायकों को ठहरने की व्यवस्था जो है वहां की गई है। पहले जानकारी आ रही थी कि अगर विधायक जो है वो कल सुबह यानी सत्र से शुरू होने से 2 घंटा पहले रांची एयरपोर्ट आएंगे और बस के माध्यम से सीधे उन्हें विधानसभा ले जाया जाएगा, लेकिन इस पूरे खबर में अभी अपडेट खबर यह है कि रायपुर से जो तमाम विधायकों का है जो लगेज है वो वहाँ पर पहुँच चुका है और किसी भी पल वहाँ से विधायक जो है उड़ान भर सकते हैं रांची के लिए। यहाँ देख सकते हैं कि तैयारियों से भी इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 3:30 से 4 बजे के आसपास स्पेशल विमान से जो रायपुर शिफ्ट किए गए थे यूपीए के विधायक और मंत्रियों की अगर बात करें तो कांग्रेस कोटे से 4 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें वहां शिफ्ट किया गया है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक और कैबिनेट मंत्री जो है खुद मुख्यमंत्री वो भी रांची में हैं। झारखंड की सियासत में जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर एक सियासी संकट देखने को मिला है, फिलहाल वो संकट अभी भी बरकरार है और अभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रहेगी या जाएगी इस पर सस्पेंस बरकरार है। कल जिस तरह से राज्यपाल दिल्ली गए तो यह कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली में मंथन होगी और जल्द से जल्द इस मामले की जो पर्दा गिरा हुआ है वो खुल जाएगा, लेकिन अभी तक ये जो है सस्पेंस बरकरार है। जानकारी ये भी आ रही है कि आज किसी भी वक्त राज्यपाल भी रांची आ सकते हैं। सूचना आधिकारिक तौर पे ये भी मिल रही है कि संभव है कि विधानसभा का सत्र से पहले ही आधिकारिक रूप से राजभवन से या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से मुख्यमंत्री की सदस्यता को लेकर सूचना जो है वो सार्वजनिक हो सकती है। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तब विधानसभा में सत्ता पक्ष का क्या रोल होगा इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा, लेकिन झारखंड की राजनीति की अभी सबसे बड़ी अपडेट है कि जो यूपीए के विधायक रायपुर शिफ्ट किए गए थे उनकी वापसी हो रही है और कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार की शक्ति परीक्षण करने के लिए तैयारियां जो है उनका जोरों पर है और 11 बजे से कल जब विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होगा तो वहां पर मुख्यमंत्री अपनी ताकत दिखाएंगे। अपने सहयोगी जैन के साथ सुजीत कुमार, मिरर मीडिया, रांची।